हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 14.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 24 से देखते हैं। 24 नंबर में दिया हुआ है रूट अंडर 36.6। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी, रूट एक्स। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 36.6 जो है नियरेस्ट है, नियरेस्ट टू 36, और हम लोग ये भी जानते हैं कि 36 का रूट जो होता है 6 होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू में 36 और एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू में 36.6। तो एक्स का वैल्यू 36 यहाँ रख देंगे तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर उधर जाकर सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू में 0.6। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जानते ही है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू में एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। चलिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू 36.6 इक्वल टू में एफ एक्स का वैल्यू क्या है, रूट एक्स, और एफ डैश एक्स का 1/2 रूट एक्स और इंटू में डेल्टा एक्स है आपका 0.6। चलिए अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा रूट अंडर 36.6, ठीक है, और इक्वल टू में रूट अंडर 36 प्लस का 0.6 और डिवाइड बाई 2 इंटू में रूट अंडर 36। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हमें रूट अंडर 36.6 का ही ना वैल्यू निकालना है। तो रूट 36 क्या हो जाएगा, 6 प्लस का 0.6 बाई में 2 इंटू में यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसे हम लोग काट सकते हैं 0.1, यानी कि आ जाएगा 6 और प्लस का 0.05, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6.05 यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, लिख सकते हैं इसका।